नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सात बड़ी खबरें। पहली खबर सामने आ रही है धार जिले के पीथमपुर से, जहां आज सुबह सिग्नेट पाइप नामक कंपनी में अचानक आग लग गई, जिसमें हजारों पाइप आग की चपेट में आ गए। आग का धुआं करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर से देखा जा सकता था। हालांकि जानकारी के अनुसार आग में किसी के फंसे होने की जानकारी सामने नहीं आई है। आग की सूचना पर पीथमपुर, इंदौर, धार व बदनावर से फायर फाइटर की करीब 8 से 10 गाड़ियों द्वारा मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया गया। दूसरी खबर का रुख करते हैं उज्जैन से। बिना रजिस्ट्रेशन के होटल संचालित करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। होटल की ये सील, महाकाल मंदिर के आसपास अवैध रूप से संचालित होटल के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के चलते सोमवार देर रात जिला प्रशासन की टीम ने महाकाल मंदिर के आसपास बने होटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि जिन होटल संचालकों के पास होटल संचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए होटल सील किए गए हैं। अगली खबर देखने को मिल रही है खंडवा से। नशा परोस रहे आरोपियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल नशे की गोलियां बेचते दो आरोपी हुए गिरफ्तार। खंडवा के युवाओं को मेडिकल नशे यानी नींद की गोलियां बेचने वाले पेडलर के साथ महाराष्ट्र के सप्लायर को मेगढ़ रोड पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों के कब्जे से 950 नशे की अल्प्राजोलम गोलियां जब्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहर के दूध तलाई स्थित नेहरू स्कूल के पास से आरोपी जुनैद को पकड़ा है। जुनैद की तलाशी लेने पर उसकी जेब से अल्प्राजोलम टैबलेट्स के 41 पत्ते मिले, जिसमें 405 गोलियां थी। चौथी खबर सामने आ रही है इंदौर से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के MBA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी की जांच अंतिम चरण में है। कमेटी जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट DAVV को सौंपेगी, जिसके आधार पर DAVV कार्रवाई तय करेगी। पेपर लीक मामले में आइडियली कॉलेज के एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 छात्रों की संलिप्तता सामने आई है, जिन्हें पुलिस हिरासत में ले चुकी है। लेकिन कॉलेज की मान्यता और DAVV की ओर से होने वाली अन्य कार्रवाई के लिए DAVV को कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ग्वालियर से पांचवी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बने वेस्ट टू वंडर पार्क की तर्ज पर ग्वालियर में भी वेस्ट टू आर्ट पार्क जल्द बनकर तैयार होगा। इसकी थीम जंगल और वन्य जीव तय की गई है। हालांकि नगर निगम ये पार्क उरवाई गेट की किला तलहटी पर तैयार कर रही है। पार्क 1.2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसमें 20 स्कल्पचर बनाए गए हैं, जिन्हें अब जनता के लिए जल्द खोला जाएगा। अगली खबर में गुना जिले की बात करते हैं, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक निजी मकान में चोरी छिपे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं की कॉपियां चेक की जा रही थी। शिक्षा विभाग और इसके जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां पर करीब 3 दर्जन शिक्षक थे जो कॉपियां चेक कर रहे थे। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की यहां परीक्षाओं की कॉपियां थी। गुना के संयुक्त कलेक्टर संजीव खिमरिया ने शिकायत पाई जाने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आखिरी खबर जुड़ी है नीट परीक्षा घोटाले से। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के साथ पूरे देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए NTA द्वारा ली जाने वाली नीट परीक्षा पर जो आरोप लगे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA से विस्तृत जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। रोजाना देखें मध्य प्रदेश की सात बड़ी खबरें, साथ ही खबरों पर कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।